नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं प्रियंका तिवारी। बिहार में हिंसा को लेकर चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नीतीश पर जमकर हमला बोला। सीधे सुनिए उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार को लेकर क्या कुछ कहा। खुद अपने प्रदेश को नियंत्रित नहीं रख सकते, वो लोग ही दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ और मेरे ही कहने से क्या होता है भैया, भारत का संविधान इस बात को कहता है। फेडरल स्ट्रक्चर, भारत का जो संघीय ढांचा है, वो पूर्णतः लॉ एंड ऑर्डर को, कानून से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें पूर्णतः महागठबंधन की सरकार और हमारे गृह मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से विफल रहे हैं। जो खुद अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख रहे, कैसे नालंदा में बिहार शरीफ 3 दिन 4 दिन तक जलता रहा। जो व्यक्ति अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए, उनसे पूरे प्रदेश की सुरक्षा की उम्मीद रखना भी अब मुमकिन नहीं है। और इसीलिए हम लोग बार बार राष्ट्रपति शासन की हम लोग मांग करते हैं। भाई, राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है, जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ, भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूँ, मैं उसी के साथ करूँगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको पुनः, मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग रहते, हम लोग क्या आराध्य हैं भैया वीर बाबा शोहरमल, हम लोग पूछते हैं उनको। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामदास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया, उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही नहीं, जिस तरीके से जन समर्थन है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो अपने आराध्य को इस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे वो गलत के साथ जो बदलाव हुआ उसकी भी मैं निंदा करूँ भैया। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने नीतीश पर पलटवार करते हुए कहा कि उनसे अपना जिला नहीं संभलता तो बिहार को क्या संभालेंगे। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें की। आप बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। नमस्कार।